Now, I have a dilemma in front of me. The question is, will I be Member of Parliament of Wayanad or will I be Member of Parliament of Raebareli? 2024 के चुनावी परिणाम सामने आ चुके हैं। 2024 के दंगल में एनडीए की झोली में 293 सीटें गईं, तो वहीं इंडिया के खाते में 234 सीटें आईं। इस समय सबकी निगाहें कांग्रेस नेता और गांधी परिवार के चिराग राहुल गांधी पर जाकर टिक गई हैं। 2024 की लड़ाई में राहुल गांधी दो सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। वो सीट थी केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली। दोनों ही सीट से राहुल गांधी ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत का परचम लहराया। ऐसे में राहुल गांधी के सामने इस समय धर्म संकट की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार राहुल कौन सी सीट छोड़ेंगे, वायनाड या रायबरेली। चुनावी परिणाम सामने आने के बाद राहुल कल वायनाड पहुंचे और अपनी ऐतिहासिक जीत के लिए वायनाड की जनता का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने वायनाड की जनता से लगे हाथ ये भी पूछ लिया कि दुविधा में हूँ, क्या चुनूं, रायबरेली या वायनाड। नाउ आई हैव ए डायलेमा इन फ्रंट ऑफ मी। द क्वेश्चन इज, विल आई बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ वायनाड और विल आई बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रायबरेली। My God is the poor people of India. My God is the people of Wayanad. So for me it's very easy. I just go talk to the people and my God tells me what to do. Rahul Gandhi ke is sawal par Wayanad ki janata ne kaha ki Wayanad. Janata ke jawab ke baad Rahul Gandhi ne kaha ki main aapse kehna chahta hu ki mere faisle se Wayanad aur Raebareli dono khush honge. So don't worry. Both Raebareli and Wayanad will be very happy with my decision. इसी बीच केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन ने संकेत दिया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट छोड़ सकते हैं। सुधाकरन ने कहा कि हमें दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी, जिन्हें देश का नेतृत्व करना चाहिए, उनसे वायनाड में रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इधर राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने की अटकलों के बीच वायनाड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में पोस्टर लगाए। पोस्टर में ये अपील की गई कि राहुल जी प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, अगर जाना पड़े तो अपनी बहन प्रियंका गांधी से कहें कि वो हमारा ख्याल रखें। जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड में चुनाव लड़ सकती हैं। ये खबर सियासी गलियारों में तेजी से छाई हुई है कि वायनाड की कमान अब राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी संभाल सकती हैं। नियमों के मुताबिक राहुल एक सीट से ही सांसद रह सकते हैं, ऐसे में उन्हें किसी एक सीट से जल्द ही इस्तीफा देना पड़ेगा। बहरहाल वायनाड और रायबरेली सीट की बात की जाए तो राहुल गांधी के सामने संकट ये भी है कि रायबरेली सीट गांधी परिवार की पारंपरिक गढ़ मानी जाती है, तो दूसरी सीट वायनाड की जनता ने उस समय राहुल को अपनाया जब वो खुद की परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव हार गए थे। ऐसे में वो दोनों सीटों के वोटर्स से सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं। फिलहाल राहुल जिस सीट से इस्तीफा देंगे वो उपचुनाव होंगे और कांग्रेस के पास मौका होगा कि वो वहां अपनी करीबी उम्मीदवार को उतारकर जीतने की कोशिश करें। ऐसे में इसलिए ये चर्चा तेज हो गई है कि वायनाड की जिम्मेदारी कांग्रेस प्रियंका गांधी को सौंप सकती है। उपचुनाव में वायनाड की जनता अगर प्रियंका गांधी को चुनकर देश के संसद तक पहुंचाती है तो इस बार संसद की तस्वीर भी कुछ अलग होगी। सड़क से लेकर संसद तक भाई बहन की जोड़ी देखने को मिलेगी। आखिर में सवाल यही कि कौन सी सीट छोड़ेंगे राहुल, वायनाड या रायबरेली। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।